वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फिर दोस्त आशिक आवान का कहना है कि बजट की मंजूरी आईनी तकाजा और मुल्क की जरूरत है, अपोजिशन इस पर सियासत का रास्ता रोक रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तला'आत और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने समाजी राबते की साइट ट्विटर पर अपनी ताज़ा ट्रेन ट्वीट्स में कहा है कि बजट पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए है। मुल्की गवर्नेंस और इदारों की वर्किंग बजट की मंजूरी से जुड़ी हुई है। पार्लियामान का चलना और अपोजिशन की तनख्वाही भी बजट की मंजूरी से आती हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले क्या अवाम का मजीद तबाह हाल करना चाहते हैं। और अब बात करेंगे सिंध की सियासत के हवाले से। कराची के एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है। आमदन से जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुलजमान कराची के एहतसाब अदालत में पेश हुए। दुरानी समाज नैब ने मौकफ अपनाया कि नैब 24 घंटे के अंदर मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरी करके इसे गिरफ्तार कर सकता है। नैब हुकाम का कहना था कि आगा सिराज दुरानी के खिलाफ 8 अप्रैल 2018 को शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत की तस्दीक और इंक्वायरी मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सोहोत्रा ने दलाल देते हुए बताया कि इंक्वायरी में साबित हुआ कि मुलजिम आगा सिराज दुरानी ने अपने अहल खाना मुलाजमीन और दीगर के साथ मिलकर 1 अरब 61 करोड़ की करप्शन की। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी के वकील ने रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा कि अदालत में होने वाली तमाम बातें कानून के मुताबिक हैं, नैब अपनी बात साबित करने की कोशिश करेगा। हमारी कोशिश है कि अपना दिफा किया जाए, सही और गलत का फैसला वक्त करेगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जो 1 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर आसिफ अली जरदारी की पार्कलैंड कंपनी में दरख्वास्त जमानत की समाअत, आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डेप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा समाअत पर नैब जवाब जमा कराए, फिर अदालत मामले को देखेगी। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। आसिफ जरदारी की पार्कलैंड कंपनी में दरख्वास्त जमानत की समाअत, आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डेप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा समाअत पर नैब जवाब जमा कराए, फिर अदालत मामले को देखेगी। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद से अहम खबर दें कि वफाकी बजट पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आरई और शोर शराबे की वजह से एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो कायदे हिजब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने बजट तकरीर शुरू करने से कबल आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने का मामला उठाया और पीपल्स पार्टी ने भी इस मामले पर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान ने आज भी शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी की, जिस पर अपोजिशन अरकान ने भी भरपूर जवाबी नारेबाजी की। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी के नतीजे में ऐवान मछली बाजार बन गया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर से कहा कि आसिफ जरदारी, साद रफीक, अली वजीर, मोहसिन दावड़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। पीपी के परवेज अशरफ ने कहा कि आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना जानबदराना रवैया है। इस मौके पर पीपी अरकान ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो के नारे लगाए। बंचों से भी शोर शराबा किया गया, जिसे इजलास हुल्लड़बाजी का शिकार हो गया। स्पीकर ने सार्जेंट से कहकर वीडियो बनाने वाले अरकान असम्बली से मोबाइल फोन भी ले लिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में धमकियां दी, रियासत मदीना में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इमरान खान मुल्क का झूठा वजीर आजम है। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग के मसले को हल किया और महंगाई को कम करके 3% पर लेकर आई। तहरीक इंसाफ के जलाओ गहराव के बावजूद मेहनत की। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। दुरान तकरीर हुकूमती अराकीन अपोजिशन लीडर की नशीस से करीब आगे शोर मचाने लगे, चोर को नहीं बोलने देंगे। शोर शराबा जारी रहने पर स्पीकर असद कैसर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। वाजे रहे कि जुमे को भी विफाकी बजट पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे और हंगामा आराई की नजर हो गया था। आपको बताएं कि हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अगर आज खराब मुआशी हालात का हल तलाश ना किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। बुरी परफॉर्मेंस का मौसम है, चाहे गवर्नमेंट की हो या क्रिकेट टीम की। मुल्क के मुआशी हालात देखकर मायूसी हो रही है। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की मुदाखलत ऐवान में शोर शराबा होता रहा।
हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अगर आज खराब मुआशी हालात का हल तलाश ना किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। बुरी परफॉर्मेंस का मौसम है, चाहे गवर्नमेंट की हो या क्रिकेट टीम की, मुल्क के मुआशी हालात देखकर मायूसी हो रही है। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान की मुदाखलत ऐवान में शोर शराबा होता रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मुबैना फ्रंट मैन मुश्ताक चीनी एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बंद कमरे में कलमबंद किया गया। मुश्ताक चीनी के बेटे यासिर चीनी ने भी बयान कलमबंद कराया, जबकि मुश्ताक चीनी ने तहरीरी बयान में कहा कि 2014 में शरीफ फैमिली की कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात हुई। उस्मान ने कहा कि सलमान शहबाज के 69 करोड़ वाइट करने हैं, 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जाली अकाउंट से मेरे अकाउंट में मुंतकिल की गई। मुश्ताक चीनी के बयान रिकॉर्ड कराने के बाद रिहा करने की इस्तदा। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। वादा मुआफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बंद कमरे में कलम बंद। मुश्ताक चीनी के बेटे यासर चीनी ने भी बयान कलम बंद कराया। मुश्ताक चीनी ने तहरीरी बयान में कहा कि 2014 में शरीफ फैमिली की कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात हुई। उस्मान ने कहा कि सलमान शहबाज के 69 करोड़ वाइट करने हैं, 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जाली फर्जी अकाउंट से मेरे अकाउंट में मुंतकिल की गई। मुश्ताक चीनी की बयान रिकॉर्ड कराने के बाद रिहा करने की इस्तदा। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि एक मुल्क और उसकी अवाम एक शख्स के ज़ाती अजायम की कीमत अदा कर रहे हैं। इससे पहले डॉलर की कीमत में इजाफा और बढ़ती महंगाई पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई से मुतल्लिक खबरों पर अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक मुल्क और इसकी अवाम एक शख्स के ज़ाती अज़ाइम की कीमत अदा कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान में इससे कबल डॉलर की कीमत में इतना इजाफा और महंगाई नहीं देखी गई। और अब बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ 3.4 अरब डॉलर कर्ज देने का मामला अभी तय नहीं पाया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये वजाहत इतवार के रोज़ दो विफाकी वज़रा के इस दावे के बाद जारी की गई कि ADB पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर का कर्जा देगा। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, कर्ज का हुजम और दीगर तफसीलात बैंक की इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से मशरूत है। दो रोज़ कबल वफाकी वजीर बराए तरक्की व मनसूबा बंदी खुसरो बख्तियार ने दावा किया था कि पाकिस्तान और ADB के दरमियान 3.4 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। उन्होंने मजीद कहा था कि इस सिलसिले में वजारत खजाना ने वजीर आजम इमरान खान को आगाह कर दिया है। खुसरो बख्तियार के दावे के बाद मशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने ट्वीट किया था कि एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर कर्ज देगा। मशीर खजाना ने कहा कि हफ्ते को ADB के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात में कर्ज के प्रोग्राम पर इत्तफाक हो गया है। बैंक बजट सपोर्ट के तौर पर 3.4 अरब डॉलर मुहैया करेगा, 2.2 अरब डॉलर नए माली साल में मिल जाएंगे। इस बयान के बाद ADB ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि बजट सपोर्ट प्रोग्राम पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है और बैंक गैर मुल्की कर्जों और तवाजुन अदायगी बेहतर करने के जिम्न में हुकूमत की मदद कर सकता है। ताहम ADB के पाकिस्तान में वाक़ दफ्तर ने बजट सपोर्ट के लिए 3.4 अरब डॉलर कर्ज देने का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना कि IMF की जानिब से 3 जुलाई को 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी तक वर्ल्ड बैंक और ना ADB भी पाकिस्तान को कोई कर्ज फराहम करेगा। औरंगी नंबर 4 में दहशतगर्दी फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ भाग, शनाख्त अहमद अली और अल्लाह दित्ता के नाम से हुई। दोनों एहलकारों पर ड्यूटी पर जाते हुए फायरिंग की गई। कराची पुलिस चीफ ने एहलकारों की शहादत का नोटिस ले लिया। वाकई की CCTV फोटेज भी मंजरे आम पर आ गई। वजीर आला सिंध ने एडिशनल IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। औरंगी नंबर 4 में दहशतगर्दी फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जहाँ बहक हो गए, शनाख्त अहमद अली और अल्लाह दिता के नाम से हुई। SSP वेस्ट के मुताबिक दोनों एहलकारों पर ड्यूटी पर जाते हुए फायरिंग की गई। कराची पुलिस चीफ ने एहलकारों की शहादत का नोटिस ले लिया। वाकई की CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। वजीर आला सिंह ने एडिशनल IG सिंह से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उम्र कैद का मतलब ताहयात कैद है, तशरी कर दी तो मुजरिम उम्र कैद की बजाय सजाए मौत मांगेंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, कहा उम्र कैद का मतलब 25 साल कैद निकाल लिया गया है, किसी मौका पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरी करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो देखेंगे कौन कत्ल करता है। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल के मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला, उम्र कैद का मौजूदा मफहूम गलत करार देते हुए चीफ जस्टिस ने उम्र कैद की मुद्दत की तशरी करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि उम्र कैद का ये मतलब निकाल लिया गया है कि ये 25 साल कैद है, जो कि गलत है। उम्र कैद का मतलब ताहयात कैद होता है, किसी मुनासिब मौके पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो देखेंगे कौन कत्ल करता है, फिर मुलजिम उम्र कैद की जगह सजाए मौत मांगेंगे। भारत में जिसको उम्र कैद दी जाती है उसके साथ ये तयन भी किया जाता है कि मुजरिम कितने साल सजा काटेगा। आईजी पंजाब पुलिस की हिदायत पर डीपीओ ननकाना मोहम्मद नवीद की जेर निगरानी ज़िले महकमा पुलिस ननकाना की जनरल परेड का इनाकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ननकाना खालिदा परवीन ने पुलिस लाइन ननकाना में ज़िले महकमा पुलिस की वीकली जनरल परेड का मुआयना किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन की परेड ग्राउंड आमद पर ज़िले महकमा पुलिस की तरफ से सलामी दी गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने दौरान परेड अफसरान और मुलाजिमान का टर्न आउट चेक किया और अच्छे टर्न आउट वाले अफसरान और मुलाजिमान को शाबाश दी गई। इस मौका एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिदा परवीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वीकली जनरल परेड का मकसद अफसरान और मुलाजमीन की फिजिकल फिटनेस को बहाल रखना है। ज़िले पुलिस का फील्ड वर्क के दौरान फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने दौरान परेड अफसरान और मुलाजमान का टर्न आउट चेक किया और अच्छे टर्न आउट वाले अफसरान और मुलाजमान को शाबाश दी गई। इस मौका पर एसपी इन्वेस्टिगेशन खालिदा परवीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वीकली जनरल परेड का मकसद अफसरान और मुलाजमान की फिजिकल फिटनेस को बहाल रखना है, जबकि ज़िले पुलिस का फील्ड वर्क के दौरान फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अब खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से। जैकबाबाद में सीआईए पुलिस की कार्रवाई, बदनामी जमाना इनाम याफ्ता डाकू गिरफ्तार, 3 साथी मौका सर फरार हो गए। एसएसपी जैकबाबाद अब्दुल कयूम पताफी ने पुलिस हेडक्वार्टर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खुफिया इतला मिलने पर डीएसपी सीआईए का टीम के हमरा ठल के इलाके पीर नवाही में बदनामी जमाना इनाम याफ्ता डाकू की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। दौरान कार्रवाई पुलिस ने डाकू को फकीर मोहम्मद बंगाली को गिरफ्तार करके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया, जबकि डाकू के 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। एसएसपी का मजीद कहना था कि डाकू फकीर मोहम्मद बंगलानी की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने 5 लाख रुपए इनाम मुकर्र किया गया था। गिरफ्तार डाकू अगवा बराए तावान राहजनी और पुलिस पर हमलों समेत दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। कसूर से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कमाल चिश्ती मोड़ पर फल फरोशों ने कब्जा कर लिया, ग्रीन बेल्ट के पौधे रातों रात खत्म करके कैंप लगा लिए, टीएमए एहलकार अपना हिस्सा लेकर खामोश। हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन बेल्ट के अंदर लाखों रुपए के फूलदार पौधे लगाए गए थे, जो फल फरोशों और ट्रालिया ट्रैक्टर खड़े करने वालों ने तबाह करके कमाल चिश्ती चौक की खूबसूरती खत्म कर दी है। ट्रैक्टर ट्रालियां रिक्शे और फल फरोशों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर, पेट्रोलिंग पुलिस भी इन कब्जा माफिया के आगे बेबस है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि कमाल चिश्ती चौक से कब्जा ग्रुपों से वागुजार कराया जाए। तहसील काजी अहमद में मालवा नहर से निकलने वाली मीर रुकन नहर में ज़रई पानी की मसनू किल्लत के खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज बन गए हैं। तहसील काजी अहमद की मालवा नहर से निकलने वाली मीर रुकन नहर के आबादगार किसान मकीन सरापा एहतजाज बन गए। आबादगारों ने एसडीओ इरिगेशन हुसनैन शाह एक्सियन नियाज मेमन और एसी इरिगेशन हैदराबाद मुख्तियार अबड़ों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि इरिगेशन के करप्ट अमलदारों ने मलवा ने नहर में पानी बंद कर दिया है। इरिगेशन ब्यूरो करप्ट माफिया ने बासरों से पैसे लेकर मीर रुकन नहर में गैरकानूनी इस वाटर कोर्स बना दिए, जो कि टील के आबादगारों से सरासर नाइंसाफी की जा रही है। सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी मोहम्मद फैसल राणा की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा
बेसिक हेल्थ यूनिट रहमताबाद आमद, CPO रावलपिंडी और DC रावलपिंडी को सेहत मरकज पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। CPO रावलपिंडी और DC रावलपिंडी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। पोलियो मुहिम 17 जून से 21 जून तक जारी रहेगी। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस। सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी मोहम्मद रिजवान ने यह हुक्म दिया है कि CPO रावलपिंडी और DC रावलपिंडी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। साथ ही साथ पोलियो मुहिम 17 जून से 21 जून तक जारी रहेगी। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का ये कहना है। इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए रॉयल न्यूज़। कैनन वाटर डिस्पेंसर।